मंदिर में स्थित गर्भगृह स्थान के भीतर जाने की सख्त मनाही के बावजूद चेतन ने गर्भगृह के दरवाजे को खोलने का फैसला लिया। लेकिन उसने जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई तो वो घबरा गया। उसने डरते हुए आसपास देखा और फिर बंद दरवाजे को एक झटके में खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर चेतन के होश उड़ गए। वहां कोई लड़की दुल्हन के जोड़े में घूंघट ओढ़े बैठी रो रही थी। चेतन ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? चेतन की बात पर उस लड़की का रोना एकदम से बंद हो गया। वो जमीन से उठी और धीरे धीरे चलकर चेतन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से अपना घूंघट उठाया तो चेतन उसका चेहरा देखकर चौंक पड़ा। उसने हकलाते हुए कहा, तुम तो वो स्टेशन वाली लड़की हो ना? नहीं नहीं, तुम तो वो तस्वीर वाली लड़की हो जिसे गांव वाले खूनी मधु कहते हैं। एक मिनट, तुम आखिर हो कौन? चेतन के सवालों के जवाब में उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा और मुड़कर वापस अंदर जाने लगे। चेतन भी बिना सोचे समझे उसके पीछे पीछे जाने लगा। उस गर्भगृह में घना अंधेरा था, इस वजह से चेतन को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पायल की छमछम की आवाज आ रही थी जिसे फॉलो करता हुआ चेतन आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर वो आवाज आनी एकदम से बंद हो गई तो चेतन भी रुक गया। पायलों की आवाज बंद होने से चेतन जैसे होश में आया हो। उसने चारों तरफ देखने की कोशिश की तो अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक उसे याद आया कि उसके पास मोबाइल फोन है, तो उसने झट से मोबाइल की रोशनी सामने डाली, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ दीवारें थी और रास्ता बंद था। चेतन ने महसूस किया कि वो एक डब्बे जैसे कमरे में बंद है। जिस दरवाजे से वो अंदर आया था वो दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि वहां तो कोई रास्ता मौजूद ही नहीं था। चेतन को लगा जैसे कुछ देर और वो इस कमरे में बंद रह गया तो उसकी सांसें घुट जाएगी और वो वहीं दम तोड़ देगा। घबराए हुए चेतन ने खुद से कहा, वो लड़की कहाँ गई जो यहाँ दुल्हन बनी बैठी थी? यहाँ से तो कोई रास्ता भी नहीं है बाहर जाने के लिए, फिर वो गई कहाँ? वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक वहाँ एक खनकते हुए लेकिन डरावनी हंसी की आवाज गूंज गई, जिसे सुनकर चेतन घबरा गया और वो उस बंद कमरे से निकलने के लिए रास्ता तलाशने लगा। लेकिन तभी चेतन को ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है, और फिर एक तेज हवा जैसे ही चेतन के शरीर को छू कर गुजरी तो वो लड़खड़ाकर एक दीवार से टकरा गया। चेतन की दीवार से टकराते ही वो दीवार अचानक ही एक तरफ सरक गई। इससे पहले कि चेतन खुद को संभाल पाता वो गिरा और अंदर की ओर लुढ़कता ही चला गया। चेतन का शरीर हवा में कलाबाजियां खाता हुआ गहराई में गिरता ही जा रहा था। इतनी तेजी से नीचे की ओर गिरता चेतन अपने होश खो बैठा और उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद जब चेतन की आंखें खुली तो वो किसी तरह से खुद को संभालते हुए उठा और बोला, ये कहाँ आ गया मैं? चेतन के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वो चाहकर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। इस वक्त वो एक आलीशान सी हवेली के एक बड़े से कमरे के भीतर था। उस कमरे में कई बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे। तभी उस कमरे का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल जाता है तो चेतन की नजर सामने पड़ती है। सामने एक विशाल बगीचा नजर आ रहा था। चेतन उस ओर बढ़ गया। वहां हर तरफ फूल थे और कई विशाल पेड़ और पौधे हवा में झूम रहे थे। उस बगीचे के एक तरफ पहाड़ी झरना बह रहा था और पास ही एक बड़ा सा तालाब था जिसमें कमल के फूल तैर रहे थे और कई सारे हंस उन कमल के फूलों के चारों तरफ घूम रहे थे। चेतन ने जब अपने आसपास का ये माहौल देखा तो उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये कैसे हुआ? ये कौन सी जगह है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? एक मिनट, कहीं मैं मरकर स्वर्ग लोक में तो नहीं आ गया? लेकिन मैं मरा कैसे? मैं तो मंदिर के गर्भगृह के भीतर था और फिर एक दीवार के सरकने से मैं गिरा था, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? चेतन ने खुद को चिकोटी काटी तो उसे एहसास हुआ कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है। उसने खुद से झल्लाते हुए कहा, पागल हो गया है चेतन, तू कुछ तो झोल है यहाँ।
चेतन अभी सवालों के घेरे में उलझा हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे लगा कि उस बगीचे में उसके अलावा भी कोई है। चेतन फौरन एक बड़ी से पेड़ की ओट में होकर खड़ा हो गया। एक 22-23 साल की लड़की बगीचे में मौजूद झरने की तरफ बढ़ रही थी। चेतन ने जब उस लड़की को देखा तो उसे देखता ही रह गया। वो उस लड़की के चेहरे को नहीं देख पा रहा था क्योंकि बीच में एक पेड़ की डाली की ढेर सारी पत्तियां आ रही थी, लेकिन वो उसके बाकी शरीर को आसानी से देख पा रहा था। उस लड़की ने अपने शरीर के उभार को मलमल के एक सफेद कपड़े से कसकर बांधा हुआ था और नीचे कमर के पास भी वही सफेद रंग की मलमल की चुनरी को बांधा हुआ था। उस लड़की के कसे कपड़े और उसके उभार देखकर चेतन मन ही मन चाह रहा था कि वो बस उसके सामने खड़ी रहे और वो उसे निहारता रहे। उस लड़की के लंबे काले बाल कमर तक लहरा रहे थे और उसके हाथों और पैरों पर लाल रंग की मेहंदी लगी हुई थी। उस लड़की ने झरने के पास जाकर अपने बदन पर पहने हुए गिने चुने कपड़ों को उतारना शुरू किया तो चेतन ने एक झटके में अपनी आंखें बंद कर ली। और तभी चेतन को किसी के गाने की सुरीली आवाज आई तो चेतन ने देखा वो लड़की झरने के पानी में तालाब के अंदर गाना गाते हुए नहा रही थी। उसे उस लड़की का दूधिया कोरा रंग झरने के साफ पानी के ऊपर नजर आ रहा था। कुछ ही देर बाद वो लड़की नहाकर जब पानी से बाहर निकली तो उसकी खूबसूरती को देख चेतन मानो उससे सम्मोहित सा हो गया। उस लड़की ने अपने कपड़ों को वापस पहना और अपने गीले बालों को झटक कर जैसे ही चेतन की तरफ मुड़ी, चेतन उसका चेहरा देखकर घबरा कर अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गया क्योंकि उस लड़की का चेहरा हूबहू गांव की खूनी वधू के जैसा था। लेकिन खुद को संभालते हुए वो भाग कर उस लड़की के पास गया। वो लड़की चेतन को अपने सामने देख मुस्कराने लगी तो चेतन ने हैरान होते हुए पूछा, तुम हो कौन और तुम मुझे ही बार बार क्यों दिख रही हो? सब कह रहे हैं तुम भूतनी हो, लेकिन तुम तो मेरे सामने जिंदा खड़ी हो, फिर आखिर लोग तुम्हें खूनी वधू क्यों कहते हैं? चेतन ने एक साथ सवालों की झड़ी लगा दी तो वो लड़की मुस्कुराई और उसने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम खास हो, सबसे खास, और मैं इतने दिनों से तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी, तुम्हारे लिए ही तो मैंने इतने मर्दों की जान ली। चेतन ने जैसे ही उस लड़की के मुंह से ये सारी बातें सुनी वो घबरा कर पीछे हट गया। चेतन ने डरते हुए कुछ बोलने की कोशिश ही की थी कि उस लड़की ने चेतन से लिपट कर उसे नीचे गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ उसके होंठों को अपने होंठों से दबा दिया। उस लड़की के होंठों को महसूस करते ही चेतन की आंखें बंद हो गई और उसका पूरा बदन अकड़ने लगा और धीरे धीरे वो अपने होश खोने लगा। इस सबसे दूर फूलपुर गांव में काल भैरव मंदिर के बाहर गांव के सारे लोग एक भारी भीड़ लगाकर खड़े थे। मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद था और सभी लोग उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुजारी ने कहा, मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? क्या कोई मंदिर के भीतर है? पुजारी की बात पर वीर सिंह ने सोचते हुए कहा, कल रात मुझे एक शहरी छोकरा यहाँ मिला था जो मंदिर के भीतर जाने की बात कर रहा था, हो सकता है कि वो ही गया हो इस मंदिर के भीतर। वीर सिंह की बात पर सभी गांव वाले घबरा कर एक दूसरे की शक्लें देखने लग गए और एक आदमी ने कहा, मतलब मंदिर के भीतर उस लड़के की लाश ही मिलेगी अब। इतना सुनना था कि गांव के सभी लोग भय से भर गए और सभी ने मिलकर मंदिर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। एक बड़ी सी लकड़ी की कट्टी को लेकर सभी उस दरवाजे को तोड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी दरवाजा अंदर से एक तेज आवाज के साथ खुल गया। दरवाजे के खुलते ही सभी लोग डर कर पीछे हट गए और सामने का नजारा देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। मंदिर का दरवाजा किसी और ने नहीं चेतन ने खोला था। चेतन को सामने देख वीर सिंह की आंखें भय से फैल गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ये तो वही लड़का है जो कल रात मंदिर में जाना चाह रहा था, अगर ये मंदिर के भीतर गया था तो इससे तो अब तक मर जाना चाहिए था। वीर सिंह की बात सुनते ही एक आदमी ने चीखते हुए कहा,
अरे ये जिंदा इंसान नहीं है, ये तो भूत है, इसकी मौत हो चुकी है। उस आदमी के चीखते ही सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई और उन्हें भागता देख चेतन ने तेज आवाज में कहा, अरे मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। चेतन की बात सुन सभी लोगों के पैर अपनी जगह पर जम गए और सभी चेतन को घूर कर देखने लगे। चेतन वीर सिंह की तरफ जाते हुए बोला, वीर जी आप तो जानते हैं ना मुझे, कल रात मिले थे आप मुझे। चेतन को अपनी ओर आता देख वीर सिंह ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे 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 मेरे पास क्यों आ रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया, दूर जाओ मुझसे, मैं भूत से नहीं डरता, लेकिन गांव के लोग डर रहे हैं। वीर सिंह आगे कुछ कह पाता कि चेतन ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं जिंदा हूँ सच में। चेतन को अपने पास देख और उसे महसूस करके वीर सिंह को भी यकीन आ गया कि चेतन मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। उसने गांव के लोगों को समझाते हुए कहा, अरे डरने की बात नहीं है, ये सच में जिंदा है। वीर सिंह आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही एक आदमी बौखलाया हुआ सा भागता हुआ वहां आया और घबराते हुए बोला, वो आदमी, उसे उस खूनी वधु ने मार दिया कल रात को। उस आदमी के कहते ही वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे का रंग डर से सफेद पड़ गया और सभी लोगों ने एक साथ घूर कर चेतन को देखा तो उसने अपनी आवाज को ऊंची करते हुए कहा, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो तुम सब? मैंने कुछ भी नहीं किया है और उस आदमी को मैंने नहीं मारा जो मुझे ऐसे देख रहे हो। चेतन अपनी सफाई पूरी तरह से दे पाता कि उससे पहले ही पुजारी जी ने कहा, तुमने गर्भगृह का दरवाजा खोला और मंदिर में रात के समय प्रवेश किया, उसी का नतीजा है ये मौत। तुम्हारी वजह से उस भूतनी ने 15 दिन के भीतर ही ये दूसरी जान ली। और तो और अब तो हमारे भगवान भी नाराज हो गए होंगे हम सब से, अब तो उनके प्रकोप से हमें कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, एक तरफ उस खूनी वधु का तो खौफ था ही, अब तो हमारे भगवान भी हमसे नाराज हो गए। पुजारी की बात सुनने के बाद मुखिया जी ने चेतन को कहा कि वो इसी वक्त गांव छोड़कर चला जाए, उसके यहाँ रहने से इस गांव में मुसीबत और बढ़ जाएगी। सभी की बात सुनकर चेतन ने अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा, मेरी बात का यकीन करें आप सब, आप सब जैसे खूनी वधु कह रहे हैं मैं उससे मिल चुका हूँ। कल रात जब मैं मंदिर के गर्भगृह के पास गया तो मुझे वो वहाँ दिखाई दी और जब मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रही है तो उसके बाद वो वहाँ से न जाने कहाँ चली गई। लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात ये है कि पता नहीं कैसे एक दीवार के खिसकने से मैं एक हवेली के भीतर चला गया था और वहाँ वो लड़की मुझे मिली जो उस हवेली में थी और उसने, बंद करो अपनी ये कहानी, मुखिया जी ने उसकी बात काटते हुए कहा। चेतन आगे कुछ और भी कह पाता कि मुखिया जी ने गुस्से में कहा, क्या बकवास किए जा रहे हो तभी से? तुम कहना चाहते हो कि मंदिर जैसी पवित्र जगह में तुम्हें एक भूतनी मिली और फिर तुम एक हवेली में चले गए? तुम समझते हो कि गांव के लोग भोले भाले हैं तो कोई भी कहानी सुना दोगे और हम यकीन कर लेंगे? देखो लड़के, मंदिर जैसी पवित्र जगह पर जहाँ स्वयं भगवान का वास होता है वहाँ भूत प्रेत जैसी बुरी चीजें प्रवेश भी नहीं कर सकती है। और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे मंदिर के गर्भगृह में देखा और हम कैसे मान ले ये बात? ये मुमकिन ही नहीं है। उस भूतनी से सामना होने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता है। मुखिया जी की बात खत्म होते ही भीड़ से एक आदमी ने कहा, तुम हमारे गांव की मुसीबत बढ़ा रहे हो और ऐसी पागलों जैसी बातें करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? इस गांव में उस खूनी वधु की आत्मा भटकती है और कल रात फिर उसने एक मर्द की जान ले ली और तुम कह रहे हो कि तुम उससे मिले हो? अभी के अभी इस गांव से निकल जाओ वरना तुम्हारी लाश ही यहां से जाएगी। गांव वालों की बातें सुनकर चेतन ने कहा, ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं एक एक शब्द सच कह रहा हूँ। मेरे साथ कुछ तो अजीब हुआ था मंदिर के भीतर और मैंने जो भी देखा वो एकदम सच है। क्या गांव वाले चेतन की बात मान पाएंगे? क्या है खूनी वधु का सच और कैसे एक भूतनी मंदिर के भीतर प्रवेश कर सकती है? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधु।